हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनोवेशन इन एजुकेशन पेपर में यूनिट सेकंड को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट ये हमारा टॉपिक होगा। इसमें इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर केस स्टडीज़ को कवर किया गया है, इनोवेशंस इन रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर। तो केस स्टडीज़ में जो कवर की गई है वो इनोवेशन के रेफरेंस में कवर की गई है, और यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एंशिएंट इंडिया में थे उनकी यहाँ पर बात की जाएगी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ जाता है जिसमें ये बताया गया है कि आज के टाइम पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो उसमें लगातार जो है कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, और ये कॉम्पिटिशन जो है वो हमें स्टूडेंट्स के की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्हांस करता है। तो हमें कैसे भी करके स्टूडेंट्स के एजुकेशन को भी इन्हांस करना होगा ताकि इस कंपटीशन से जो है स्टूडेंट अपने आप को कम्पीट कर सकें और अपनी कल्चर में चेंजेस देखने को पाएँ, अपनी स्किल लेवल पे अपने जो है चेंजेस देखने को पाएँ, जिससे कि उनके एम्प्लॉयमेंट में इन्हांसमेंट हो सके और उन्हें एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कराया जा सके। तो इससे जो है हमें इन इनोवेशन की प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें इन्हांस करना होता है क्वालिटी को हायर एजुकेशन के, देन उसमें जो है वैल्यू को ऐड ऑन करना होता है। तो ये मेन पर्पस होता है इनोवेशन का जब हम किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनोवेशन को लाते हैं। तो इसी के बेसिस पर हम केस स्टडीज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्टली यहाँ पर हम कवर करेंगे केस बड़ौदा को। केस बड़ौदा का मतलब हो जाता है यहाँ पर CSE, जो स्टैंड करता है यहाँ पर वो मेनली स्टैंड करता है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन के लिए। तो इसे CASE केस बड़ौदा जो कहा जाता है उसको सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। केस इज़ रिलेटेड टू, केस जो मेनली रिलेटेड है वो महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड है। यहाँ पर महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ौदा की है, इसको MSU के नाम से जाना जाता है फॉर्मली, यानी कि पहले हम इसे किस नाम से जानते थे, तो इसे बड़ौदा कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ये एक तरह से पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि वडोदरा जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात स्टेट में है, उसकी एक सिटी है वडोदरा। यहाँ पर जो है बड़ौदरा कॉलेज सिचुएटेड है जिसे पहले जो है बड़ौदरा कहा जाता था, लेकिन आज के टाइम पर महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये ओरिजिनली जो है इस्टेब्लिश की गई थी एज अ कॉलेज 1881 में, और इसके बाद यूनिवर्सिटी के रूप में इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया 1949 में। तो ये जो इंडिपेंडेंस इंडिया थी, इंडिपेंडेंट इंडिया था, उसकी जो है पहली यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर 1949 में। तो इस तरह से केस बड़ौदा का ये डिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पर। इसके बाद मेनली बताया जाता है यहाँ पर कि केस बड़ौदा जो है वो लेटर नेम था आफ्टर द बेनिफैक्टर महाराजा सयाजी राव ग्रेग थर्ड। देन जो मेन बिल्डिंग थी वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड थी। यहाँ पर हाउसेस थे उसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के, जो कि डिज़ाइन किए गए थे रॉबर्ट फेलियोस चिसोल्म इन द इंडो सैरासिनिक आर्किटेक्चर स्टाइल। तो यहाँ पर इंडो आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो किया गया था, जो एक तरह से फ्यूज़न था यहाँ पर इंडियन और बाइजेंटिन आर्किटेक्ट का, जिसमें डोम्स के ब्रिक का यूज़ किया गया था और पॉलीक्रोम्ड स्टोन का यूज़ किया गया था। इस तरह से बड़ौदा जो कॉलेज था उसे बाद में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है। और यहाँ पर जो केस बड़ौदा था वो पूरी तरह से ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को फॉलो किया करता था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन द सेंस, यहाँ पर जो सबसे पहले जो है मोमेंट आता था वो नॉलेज का आता था, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन,
देन एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और फिर इवैल्यूएशन। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हायरार्की को इसमें फॉलो किया जाता था पूरी तरीके से। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान भी इसमें दिया गया था केस बड़ौदा में ही। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि प्रताप सिंह गायकवाड जो थे बड़ौदा के, वो लास्ट महाराजा रहे हैं यहाँ पर, जो कि फाउंडेड करते हैं यूनिवर्सिटी को 1949 में। और उनकी जो विश थी उनके ग्रैंड फादर की, यानी कि इनके ग्रैंड फादर लगते थे महाराजा सयाजी गायकवाड, जो कि थर्ड थे यहाँ पर एम्परर में। और उन्होंने जो है सेटलमेंट किया था सर सयाजी राव डायमंड जुबली एंड मेमोरियल ट्रस्ट का। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के टाइम पर ये जो यूनिवर्सिटी है वो एक ओनली यूनिवर्सिटी है गुजरात में जो हायर एजुकेशन को ऑफ़र करती है, और इसमें कई सारी डिग्रीज़ को ऑफ़र किया जाता है इंग्लिश कोर्सेज के। और यहाँ पर जो है वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन भी अक्रॉस 6 यूनिवर्सिटी कैंपसेस में प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। देन यहाँ पर 89 डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, जो कि 13 फैकल्टीज़ में डिवाइडेड हैं। यहाँ पर 2 रूरल और 4 अर्बन यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं। यहाँ पर एरिया देखें केस बड़ौदा का तो 275 एकड़ का एरिया हो जाता है यहाँ पर। देन यहाँ पर अकोमोडेशन की बात करें तो 4000 प्लस स्टूडेंट को अकोमोडेट किया जाता है केस बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। इस तरह से ये जो है केस बड़ौदा के बारे में हो जाता है यहाँ पर। देन एक्टिविटीज़ क्या रही हैं केस बड़ौदा की, तो एक्टिविटीज़ में देखा जाए तो ये हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते थे ये लोग। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता था अक्टूबर मंथ में यहाँ पर। और इसमें जो है स्पेशल जो है प्रीमाइसेस दिए जाते थे, प्रिपरेशन की जाती थी, और यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी मेंटल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती थी, जैसे कि रैली कराई जाती थी, कम्युनिटी इंटरवेंशन, टैलेंट शोज़ कराए जाते थे, देन स्ट्रीट प्लेस कराए जाते थे, और उसके बाद एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप, ये सारे जो है प्रोग्राम कराए जाते थे, एक्टिविटीज़ कराई जाती थी केस बड़ौदा में। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती थी यहाँ पर स्टूडेंट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है केस स्टडी ऑफ शांति निकेतन, जिसको विश्व भारती के नाम से जाना जाता था। तो विश्व भारती जो है मेनली रिलेटेड है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है कि इनका जन्म 1861 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1941 में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है एक पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, प्ले राइट्स थे, नॉवेलिस्ट थे, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंडियन राइटर्स में उन्हें जाना जाता है। इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर के लिए 1913 में। तो इन्हें अपने लिटरेचर वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। इंडिया में रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने जो है एक ऑथेंटिक एजुकेशन को प्रोवाइड किया था। इसके लिए कई सारी पहल उन्होंने की थी कि बच्चे को जो है ऐसी नीड्स होती हैं कि वो ग्रो अप कर सके, चाहे वो रूरल इंडिया में हो चाहे वो अर्बन इंडिया में हो। देन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस्टेब्लिश किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो कि बोलपुर में है। यहाँ पर 150 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है ये कोलकाता से। 22 दिसंबर 1901 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसे शांति निकेतन यानी कि विश्व भारती के नाम से जाना गया। तो ये एक आश्रम के तौर पर होता था, गुरुकुल, जैसे गुरुकुल में सिस्टम रहता था कि बच्चा यहाँ पर अपने गुरु के ही घर पर जाकर शहर से दूर जो है शिक्षा को लेता था। तो ये सिस्टम इसमें फॉलो किया जाता था शांति निकेतन में। विश्व भारती जो है एक ऐसा प्लेस माना जाता है जो कि यूनिवर्सल नॉलेज को भी देता है और वर्ल्ड कल्चर को भी जो है
नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एक सांसारिक ज्ञान को प्रोवाइड किया जाता था बच्चों को, और सांसारिक जो है संस्कृति से इंट्रोड्यूस कराया जाता था स्टूडेंट्स को। देन 1951 में यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है उसने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया था बाई द एक्ट इंट्रोड्यूसेस इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर शांति निकेतन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं शांति निकेतन के। शांति निकेतन के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि शांति निकेतन का गार्डन स्कूल था एक तरह से, ओपन एयर यहाँ पर थी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर बिलीव करते थे ये स्कूल्स, सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक स्कूल था ये। शांति निकेतन एक तरह से कम्युनिटी का स्कूल था, और उसके साथ साथ शांति निकेतन में कई सारे क्राफ्ट्स की भी जो है टीचिंग दी जाती थी स्टूडेंट्स को, जैसे कि वीविंग की, बुनाई की, बुक बाइंडिंग की, और उसके साथ कारपेंटर की, अलग अलग म्यूज़िक, ड्रामा, डांस, पोयम, कंपोजिशन, फाइन आर्ट्स, इन सारी चीज़ों की भी जो है यहाँ पर लर्निंग कराई जाती थी स्टूडेंट्स को। देन यहाँ पर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं शांति निकेतन के। तो कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जैसे कि विद्या भवन है तो वो रिसर्च से रिलेटेड था, शिक्षा भवन एजुकेशन से रिलेटेड था, चीना भवन यहाँ पर सीनियर इंडियन स्टडीज़ से रिलेटेड था, कला भवन फाइन आर्ट्स से, संगीत भवन डांसिंग एंड म्यूजिक से, देन श्री निकेतन जो था वो रूरल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, शिल्प भवन स्कूल ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड था, इस तरह से कई सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर थे। नेक्स्ट वन इज केस स्टडी ऑफ द विद्या भवन उदयपुर। विद्या भवन उदयपुर को विद्या भवन सोसाइटी VBS के नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे बनाया गया था उदयपुर राजस्थान में। यहाँ पर जो मेन एम था इसको एस्टैब्लिश करने का वो हो जाता है कि इक्वल एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके, ताकि बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग भी किया जा सके, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी कर सके। तो इस तरह से VBS को जब एस्टैब्लिश किया गया था तो ये एक स्मॉल स्कूल होते थे, 1931 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। देन यहाँ पर इसमें प्रमोट किया जाता था डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट को, सेकुलर एंड सोशली मीनिंगफुल एजुकेशन को, इस तरह से इसमें कई स्पेशल पार्ट्स होते थे कंट्रीज़ के, और इसमें जो है पीरियड के साथ साथ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को ग्रो भी किया गया था। इस तरह से ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं यहाँ पर विद्या भवन के। इसके बाद विद्या भवन के एजुकेशन के सेंटर्स कौन कौन से हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर। एजुकेशन सेंटर्स में इसमें मेनली जो है कवर किए जाएंगे, जिसमें डाइट NGOs को जो है कोलैबोरेट कर लिया गया था। देन कुछ करंट एक्टिविटीज़ और टास्क यहाँ पर बताए गए हैं विद्या भवन के, जिसमें प्रोजेक्ट या डिस्कवरी बेस्ड एजुकेशन आ जाती है। देन सेकंड यहाँ पर आ जाता है कि यूज़ करना एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को। देन थर्ड यहाँ पर था कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट चलाया जाता था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको चलाया गया था सेंटर के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इनोवेटिव अप्रोच ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। इनोवेटिव अप्रोच ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हो जाता है कि इनोवेशन के तौर पर यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है स्पेल आउट किया गया था सलमान का के द्वारा एक स्टेटमेंट के थ्रू, और इसमें जो है फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन द स्पेशल नीड एजुकेशन 1994 को भी इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मेनली मतलब हो जाता है कि एजुकेशन जो है वो पहले के टाइम पर क्या थी उससे हमें नहीं मतलब है, यहाँ पर हम जो एजुकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे वो उसमें हम डिजेबल और नॉन डिजेबल दोनों ही चिल्ड्रेन को सेम जगह पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो या डिजेबल बच्चा हो या एक जो है नॉर्मल चाइल्ड हो, हर किसी के लिए सेम एजुकेशन होगी, हर किसी के लिए सेम क्लासरूम होगा, एक ही छत के नीचे हर बच्चे को इसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि किसी भी तरह का सेग्रीगेशन स्टूडेंट्स के थ्रू ना देखा जाए यहाँ पर, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वो ना फॉलो करें अपने सोसाइटी को लेकर, इसलिए यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन को इन्वॉल्व किया गया। इंक्लूजन का मतलब ही हम देखें तो उसका मतलब हो जाता है टू इंक्लूड, यानी कि बच्चों को इसमें इंक्लूड करना, चाहे वो
डिजेबल्ड चाइल्ड हो, नॉन डिजेबल्ड चाइल्ड हो या किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, एक जनरल स्कूल में उसे हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं हर एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में। और इसमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी हम ख्याल रखते हैं। इंक्लूजन का मतलब ही हो जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि इसमें सिर्फ डाइवर्स बैकग्राउंड के ही बच्चे नहीं कवर होंगे बल्कि इसमें डिजेबल्ड, नॉन डिजेबल्ड हर तरह के स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा। इस तरह से इंक्लूजन का मतलब है एक ही क्लास है और उसमें हर तरह का बच्चा इन्वॉल्व है, चाहे वो मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड हो, बैकवर्ड चाइल्ड हो या फिर गिफ्टेड बच्चा हो या स्लो लर्नर हो। देन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। मेन कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में किसी भी तरह का सेग्रीगेशन नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ ना सिर्फ जो है डिजेबल चाइल्ड को कवर किया जाता है बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं डिजेबल और नॉन डिजेबल चाइल्ड को। देन यहाँ पर ये सेग्रीगेशन का अपोजिशन करती है पूरी तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर, तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ में। देन यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को वेलकम किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डाइवर्सिटी, तो इस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन में हर एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं इसलिए यहाँ पर डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है चाहे वो डिसेबल्ड हो, किसी भी एबिलिटी का हो या गिफ्टेड चाइल्ड हो। देन इक्वल अटेंशन पे की जाती है यहाँ पर क्लासरूम में हर एक बच्चे के लिए। देन इसमें पार्टिसिपेशन कराया जाता है सोसाइटी का और पेरेंट्स का, क्योंकि इसमें जब असेसमेंट किया जाता है स्टूडेंट का तो उनके पीयर्स के थ्रू क्या जो है इन्हांसमेंट लाया जा रहा है वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पर एजुकेशन की हर एक बच्चे को। देन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम, हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इसकी इम्पॉर्टेंस हो जाती है यहाँ पर कि इसमें जो विज़न है वो सिंपल लिविंग के लिए रहता है और इसमें किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं हम। देन पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है यहाँ पर स्टूडेंट्स में, और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होता है, हर एक बच्चे को हम एक ही क्लासरूम में इंक्लूड करते हैं इसलिए बच्चों में इंटीमेसी आती है, आपस में कोऑपरेशन आता है बच्चों में। देन बच्चे यहाँ पर नेसेसरी एकेडमिक स्किल्स को सीखते हैं, कैसे जो है उन्हें पढ़ना है, लिखना है, याद करना है। इसके बाद क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पर क्योंकि बच्चे कंपटीशन फेस करते हैं हर एक बच्चे के साथ में। इसके बाद इसमें जो है लर्निंग को इन्हांस किया जाता है हर एक स्टूडेंट की, चाहे वो डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड चाइल्ड हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है हर एक बच्चे के, कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है और ये यहाँ पर डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो इसमें हमें अंतर है उस हिसाब से ही हम उससे जो है एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं लर्निंग के लिए। देन इनोवेशंस क्या किए गए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब हो जाता है ये एक पावरफुल टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है जो कि क्लासरूम में इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसमें बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है उस टास्क के मीनिंग को। यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सेकेंड इनोवेशन हो जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को एक टास्क दिया जाता है, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसे उसे कंप्लीट करना होता है। इसके लिए वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का यूज़ करेगा, टीम वर्क को इन्हांस करेगा और सेल्फ मैनेजमेंट को इन्हांस करता है यहाँ पर स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। देन थर्ड यहाँ पर इनोवेशन हो जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जिग्सॉ का। जिग्सॉ का मतलब हो जाता है कि एक टेक्निक है जो कि ट्राइड एंड ट्रू के बेसिस पर काम करती है। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग को इन्हांस किया जाता है और स्टूडेंट अपनी ओन लर्निंग को इसमें इन्हांस करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन। इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट मतलब कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे एजुकेशन की फील्ड में, तो यहाँ पर कई सारे नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट वन इज़ बनस्थली विद्यापीठ। बनस्थली विद्यापीठ जो है एक 45 माइल्स दूर जयपुर में स्थित जो है विलेज था। बनस्थली विद्यापीठ फाउंडेड हुआ था मेनली 6 अक्टूबर 1935 में, जो कि फ्रीडम फाइटर और एजुकेशनिस्ट पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा
फाउंड किया गया था, जो एक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान के। और उसके साथ साथ इनके साथ साथ इसमें श्रीमती रतन शास्त्री ने भी जो है डेकोर्ड किया था, इन्हें पद्म भूषण के जो है अवार्ड से नवाजा गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और ऑनर्ड किया गया था जमनालाल बजाज अवार्ड के थ्रू, क्योंकि इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी यहाँ पर वुमेन्स एजुकेशन के लिए। तो इस तरह से पंडित हीरालाल शास्त्री और श्रीमती रतन शास्त्री के द्वारा वनस्थली विद्यापीठ को एस्टैब्लिश किया गया। वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है 1983 में, जो कि इसे बताया गया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के तौर पर। देन नैक ने जो री एक्रेडिटेशन दिया था वनस्थली विद्यापीठ के लिए, उसमें इसे हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड दिया गया था, ए ग्रेड पर रखा गया था 2011 में, जो कि रिव्यू कमिटी के थ्रू इसे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के थ्रू जो है ग्रेड ए में शामिल किया गया। देन वनस्थली विद्यापीठ जो थी इसमें एकेडमिक अचीवमेंट्स, रिसर्च, स्टूडेंट प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को शामिल किया गया था। ये जो यूनिवर्सिटी थी उसमें कैटेगरी A1 में रखा गया था वनस्थली विद्यापीठ को, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के तौर पर। उसके साथ साथ यहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ एक तरह से अडॉप्ट की गई थी 1943 में सिर्फ। दिस ऑल्सो हैपेंड द ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रोफेसर सुशीला व्यास थी जिन्होंने पहले बार जो है वनस्थली विद्यापीठ से फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ वनस्थली विद्यापीठ के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया था, प्रोफेसर सुशीला व्यास को। देन यहाँ पर कुछ UGC के थ्रू रिकमेंडेशंस दी गई थी वनस्थली विद्यापीठ के लिए, जिसमें डिफाइन और वाइबल प्रोग्राम बताए गए, अपॉर्चुनिटीज बताई गई, और स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए। इसके बाद यहाँ पर फीचर्स आ जाते हैं वनस्थली विद्यापीठ के, जिन फीचर्स में शामिल हो जाता है यहाँ पर कि फ्रेंडली कैंपस दिया गया था स्टूडेंट्स को, एवरी क्लासरूम थे यहाँ पर, हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई थी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है वनस्थली विद्यापीठ का ही एक कॉन्सेप्ट है फाइव फोल्ड एजुकेशन, जिसमें पंचमुखी शिक्षा का प्रावधान किया गया। पंचमुखी शिक्षा में पहली शिक्षा आ जाती है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि फिजिकली बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा जाता था इसमें, पहली ये जो है पंचमुखी शिक्षा का प्रावधान था। इसमें मार्शल आर्ट, शूटिंग और फ्लाइंग, गर्ल गाइडिंग, बुलबुल और स्विमिंग, खो खो, हॉकी, ये सारे जो है खेल शामिल किए गए थे जो कि फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड थे। देन प्रैक्टिकल एजुकेशन थी यहाँ पर पंचमुखी शिक्षा में। प्रैक्टिकल का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम भी स्टूडेंट को सिखाए जाते थे, पेंटिंग का काम, डाइंग का काम, बैंक बुटीक का काम है, बंदेज का काम है, टेलर, एम्ब्रॉयडरी, कुकिंग, क्राफ्ट, ये सारे काम भी बच्चों को सिखाए जाते थे। इसके बाद एस्थेटिक आ जाता है थर्ड कॉन्सेप्ट पंचमुखी शिक्षा का। इसमें क्लास 5 तक के बच्चों को यहाँ पर चूज़ करना होता था म्यूज़िक और पेंटिंग में से कोई एक सब्जेक्ट को, उसके बाद उन्हें डांसेस में जैसे कथकली, मणिपुरी, राजस्थानी, ये सारे इंटीग्रल पार्ट्स को सिखाया जाता था। फोर्थ यहाँ पर पंचमुखी शिक्षा में कॉन्सेप्ट आता है मुराल का। मुराल का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल में मोरल एजुकेशन को भी डेवलप किया जाता था, ताकि एक बेटर पर्सनालिटी को हम इन्हांस कर सकें, डेवलप कर सकें बच्चों में, कि वो हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट कर सके, हर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट कर सके। इस तरह से ये फोर्थ यहाँ पर कॉन्सेप्ट था पंचमुखी शिक्षा का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंटेलेक्चुअल से आता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब हो जाता है कि इसमें कॉग्निशन लेवल पे भी डेवलपमेंट किए जाते थे, जैसे कि मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था, लैंग्वेज, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, ये सारे सब्जेक्ट्स भी बच्चों को पढ़ाए जाते थे, जिससे कि उनका जो है इंटरेस्ट इन्हांस हो सके वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ और हिस्ट्री की तरफ। एजुकेशनल टूर्स कराए जाते थे इसके लिए, उन्हें फेस्टिवल्स और फेयर्स रखे जाते थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर चार्ट और मॉडल का यूज़ कराया जाता था, मल्टीपल जो है प्रेजेंटेशन कराई जाती थी, एजुकेशनल गेम्स कराए जाते थे,
इस तरह से यहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ के जो शिक्षा विभाग है उसमें प्राथमिक, सांस्कृतिक, माध्यमिक, सामान्य, बहुउद्देशीय विद्यालय और कॉलेजीय शिक्षा विभाग, प्रशिक्षक विभाग, ये सारे शामिल होते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट आया वो SNDT यूनिवर्सिटी का था। SNDT यूनिवर्सिटी का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि 2021 में इससे पहली बार 5 महिलाओं ने ग्रेजुएशन की जो है डिग्री हासिल की थी। SNDT वुमेन्स की यूनिवर्सिटी है जो कि मुंबई में है। SNDT का फुल फॉर्म हो जाता है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठक्कर से वुमेन्स यूनिवर्सिटी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो साउथ मुंबई में स्थित है। मेन कैंपस इसका जो हो जाता है वो सांता क्रूज जुहू मुंबई में स्थित है। SNDT के 3 कैंपसेस हैं जिसमें से 2 कैंपस मुंबई में हैं और 1 कैंपस पुणे में है। इससे एफिलिएटेड भी कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें महाराष्ट्र, असम, UP, बिहार, सूरत, गोवा, ये सारे जो है एफिलिएटेड कैंपसेस आ जाते हैं। देन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं SNDT के। मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक फोरम प्रोवाइड करना था जो कि उनके एजुकेशनल और प्रोफेशनल कंसर्न से रिलेटेड हो। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है SNDT का, यहाँ पर स्टूडेंट को इन्फॉर्म्ड करना था एजुकेशनल और करियर चॉइसेस के लिए। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि यहाँ पर प्लानिंग करना था वेरियस एक्सपीरियंसेस को यूनिवर्सिटीज़ में। देन फोर्थ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि इसमें जो है इनेबल करना था एजुकेशनिस्ट को सुन सके स्टूडेंट और आइडेंटिफाई कर सके उनके रिक्वायरमेंट्स को और इन्हांस कर सके स्टूडेंट्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। देन फिफ्थ यहाँ पर हो जाता है कि फैसिलिटेट किया जाता था नॉलेज के लिए और स्किल के लिए। इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इनोवेटिव यूज़ ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इनोवेटिव यूज़ कैसे किया जा रहा था, तो इसमें ब्लेंडेड मॉडल्स को प्रोवाइड किया जा रहा था क्लासरूम में, जो है क्लासरूम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता था। तो एक रेडिकल चेंजेस लाए गए यहाँ पर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है सेंटर्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के सेंटर्स में देखें तो डिसेबिलिटी यूनिट इसमें कवर किया जाता है, जिसमें सेंटर ऑफ स्पेशल एजुकेशन ये होता था और सेलेक्ट किया जाता था UGC के थ्रू। इसके बाद ROC आता है, द लर्निंग सेंटर फॉर द चिल्ड्रेन विद द स्पेशल नीड। जो स्पेशल नीड के चिल्ड्रेन हैं जैसे कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी वाले स्टूडेंट और मेंटल रिटायर्ड स्टूडेंट या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड, उनके लिए यहाँ पर ROC सेंटर्स बनाए गए थे SNDT में। देन यहाँ पर केयर आता है। केयर का मतलब हो जाता है कि इसमें कंपेंसेटरी और रेमेडियल एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता था स्टूडेंट्स के लिए। SNDT यूनिवर्सिटी में जो भी जो है इसमें लर्निंग होती थी वो स्टूडेंट्स की डिसेबिलिटीज को देखकर तब उनकी बिहेवियरल नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती थी। रिसर्च और असेसमेंट यूनिट्स आ जाता है, तो डायग्नोस्टिक यूनिट्स थी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर पीपल साइंस मूवमेंट का। पीपल साइंस मूवमेंट को एक तरह से PSM के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। पीपल साइंस मूवमेंट एक तरह से जो इनिशिएशन था वो लिया गया था ताकि इसमें क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस को इंट्रोड्यूस किया जा सके आम पीपल के लिए। आम पब्लिक जो जनरल पब्लिक है उसे ये बताया जा सके कि कैसे साइंस जो है किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस तरह से कर रहा है। तो इसमें जो है एनालिसिस किया जाता था पॉलिसीज़ का, जिससे कि एजुकेटिंग पीपल और मोबिलाइजिंग पब्लिक के ओपिनियन को लिया जा सके एक इशू के लिए। तो इसमें मेनली इन्फॉर्म करना था PSM के थ्रू कॉमन पीपल्स को कि कैसे साइंस किसी चीज़ को अडॉप्ट करता है, क्यों करता है और कैसे करता है। तो रिलेट करना था मेनली इसमें कॉमन पीपल को साइंस के प्रोसेस से। देन यहाँ पर ओरिजिन कैसे हुआ PSM का, तो पीपल साइंस मूवमेंट का जो ओरिजिन हुआ था वो मेनली 1950s में हुआ था, जिसमें इंगेज किए जाते हैं एक्टिविटीज़ को क्रिएट साइंटिफिक अवेयरनेस के लिए आम पब्लिक पे जो है कि अवेयरनेस फैलाई जा सके, जिसमें मेनली आ जाता है द केरला शास्त्र साहित्य परिषद जो कि
KSSP के थ्रू जाना जाता है। इसमें मराठी विज्ञान परिषद भी शामिल है, असम का साइंस सोसाइटी भी शामिल है, बंगा का विज्ञान भवन भी शामिल हो जाता है। इस तरह से कई सारे इनिशिएशन इन सबके द्वारा लिए गए थे। इसके बाद KSSP जो केरला का शास्त्र साहित्य परिषद था, उसने जो है एक कन्वेंशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी फर्स्ट टाइम नवंबर 1978 में त्रिवेंद्रम सिटी में, अपने त्रिवेंद्रम में यहाँ पर KSSP ने एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया था पीपल साइंस मूवमेंट के लिए, जिसमें अवेयरनेस जो है फैलाई जा सके साइंस के लिए एक कॉमन पीपल में, कि कैसे किसी इनिशिएशन को साइंस में लिया जाता है, कैसे उसमें चेंजेस किए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स क्या क्या चलाए गए PSM के थ्रू, तो यहाँ पर हेल्थ प्रोग्राम्स को चलाया गया था, जिसमें क्वेश्चंस जो थे उनका एडिक्वेट आंसर्स किया जाता था हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के थ्रू। देन नेक्स्ट प्रोग्राम इसमें जो शामिल होता है वो एजुकेशन का हो जाता है यहाँ पर। तो एजुकेशन के लिए जो भी इशूज थे उसमें जो है एडल्ट एजुकेशन को भी शामिल किया और अवेयरनेस कराई गई। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोग्राम था वो आ जाता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स थी उससे भी अवेयर कराया गया एक जनरल पब्लिक को, और अवेयरनेस के थ्रू यहाँ पर इन्वायरमेंट को सेफ करने के लिए भी प्रोविजंस दिए गए थे। देन कुछ इनोवेटिव एक्टिविटीज़ कराई गई PSM के थ्रू, जिसमें सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर साइंस एंड कम्युनिकेशन। साइंस एंड कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है कि ये कुछ मूवमेंट्स कराए गए थे सेवरल स्टेट्स में, जिसमें साइंस टीचर्स को इन्वॉल्व किया गया, वर्किंग साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया गया था, और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को भी इसमें साइंस किया गया था, शामिल किया गया था पीपल साइंस मूवमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनोवेटिव एक्टिविटीज़ में पॉलिसी क्रिटिक्स। पॉलिसी क्रिटिक्स का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि इसमें जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं साइंटिस्ट और प्रोफेशनल के थ्रू, उसमें एक कॉमन पीपल की जो है राय ली जाती थी। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट इंटरवेंशन। डेवलपमेंट इंटरवेंशन में मेजर कंपोनेंट्स जो रहते थे उसमें एक मास कैंपेन चलाए जाते थे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आता है नेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट जो लिए गए वो बताए गए हैं। इन प्रोमिनेंट्स में फर्स्ट आ जाता है केरला शास्त्र साहित्य परिषद KSSP, जो कि एक अर्लियर ग्रुप था साइंस के लिए इस एक्टिविटी में, जिसको शामिल किया गया था। इसका मेन स्लोगन जो है हो जाता है साइंस फॉर द सेफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो कि त्रिवेंद्रम में पहला कन्वेंशन अपना करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है तमिलनाडु साइंस फोरम, जिसको TNSF के नाम से जाना गया था, और ये मेनली जो है 1980s में आया। देन नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट में वो होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोजेक्ट का आता है, HSTP इसको कहा जाता है। HSTP जो है मेनली स्टैब्लिश किया गया था 1972 में, जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल का साइंटिस्ट का कंसर्न था, इंजीनियर्स का, एजुकेशनिस्ट का, सोशल एक्टिविस्ट का। इसमें टू मेनली ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया गया था जो कि मध्य प्रदेश के थे। पहला यहाँ पर किशोर भाटी था, और दूसरा यहाँ पर हो जाता है फ्रेंड्स रूलर करियर, जो कि इम्प्लीमेंट किए गए थे पूरी तरह से इनोवेटिव और इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ स्कूल साइंस टीचिंग के लिए। यहाँ पर मेनली HSTP का जो यूज़ किया गया है वो साइंस टीचिंग के लिए किया गया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि इसमें डिटरमाइन किया जा सके एग्जिस्टिंग सिस्टम में गवर्नमेंट के स्कूलिंग में, कि किस तरह से एकोमोडेशन किया जा रहा है इनोवेटिव चेंजेस का साइंस टीचिंग के लिए, कि यहाँ पर जो चेंजेस लाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू वो चेंजेस एक्चुअल में किए भी जा रहे हैं या नहीं। HSTP ने जो है इंट्रोड्यूस किया था विलेज स्कूल को, ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके, इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि जो डिस्कवरी अप्रोच है साइंस टीचिंग के लिए उससे जो है अपनाया जा रहा है या नहीं, इसमें लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है या नहीं। तो इसमें जो है मेनली ये देखा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है HSTP के थ्रू कि जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ जो है टेक्स्ट बुक के थ्रू ही रोट मेमोराइजेशन के थ्रू याद कराया जा रहा है,
तो इसमें इनिशिएशन लिए गए थे इसके लिए। HSTP मेनली एक्सपेरिमेंटल और फील्ड बेसिस लर्निंग को इन्हांस करता है यहाँ पर साइंस के लिए। द अकेडमिक्स इन द प्रोग्राम वर एडवाइज्ड बाय द साइंटिस्ट एजुकेटर्स रिसर्च स्टूडेंट फ्रॉम द अदर्स इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर एकेडमिक्स के लिए जो है एडवाइसेस दी जाती थी। फर्स्ट टाइम ये ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट था जिसमें लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था HSTP के थ्रू। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर क्या होते हैं, तो इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे स्टूडेंट को जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें चीज़ों को और नए कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकें, इनोवेटिव चेंजेस ला सकें। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है HSTP का कि इसमें डिस्कवरी अप्रोचेस को अपनाया जाता था, लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता था और यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक मैथड जो था सेंटर्ड मैथड उसे जो है कम किया गया और उसमें जो है डिस्कवरी मेथड को अपनाया गया। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव HSTP का हो जाता है कि डिफ्यूज़ किया गया था माइक्रो लेवल एजुकेशन को इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द मैक्रो लेवल एक्सपेरिमेंट्स। देन यहाँ पर HSTP जो है वो फोकस करता है इम्प्रूविंग साइंस एजुकेशन फ्रॉम द क्लास सिक्स टू क्लास एट के लिए यहाँ पर मेनली साइंस को जो है फोकस किया गया था। फंक्शंस क्या रहे हैं HSTP के, तो इसमें टीचर ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया गया ताकि स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकें टीचर और उनकी लर्निंग को उनके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है ढाल सकें और यहाँ पर मेनली लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को अपना सकें। देन सेकंड यहाँ पर हो जाता है मंथली मीटिंग्स रखी जाती थी और स्टूडेंट के इवैल्यूएशन को उनके पेरेंट्स तक पहुँचाया जाता था टीचर्स के थ्रू। देन कंटेंट एनरिचमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी जिससे कि बेटर टीचर जो है बेटर स्टूडेंट की लर्निंग को इन्हांस करेगा। तो इसमें इवैल्यूएशन भी किया जाता था और उसके साथ साथ ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड किया जाता था, नए टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था, इन इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप प्रोग्राम्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता था इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकंस्ट्रक्टिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर डिसोल्यूशन को डिवीज़न किया जाता था और डिविजनल ऑफिसेज जो है यहाँ पर बताए गए। होशंगाबाद विज्ञान बुलेटिन का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि ये एक तरह का न्यूज़लेटर था जो कि स्पेसिफिकली जो है क्लब के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था HSTP के लिए। देन सर्ली राम यहाँ पर आता है नेक्स्ट फंक्शन जो कि HSTP का हो जाता है। तो सर्ली लाम लास्ट यहाँ पर फंक्शन हो जाता है HSTP के लिए जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए मेनली फोकस किया गया था स्टूडेंट्स के। इस तरह से यहाँ पर HSTP के बारे में या इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स जो एजुकेशन में लाए गए उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे हम अब, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जैसा कि आप वर्ड से समझ रहे हैं, ट्रांसजेंडर का मतलब हो जाता है कि ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट जो शब्द है ट्रांस वो लैटिन भाषा का शब्द हो जाता है और जेंडर जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो इन्हें हिंदी में हिजरा कहा जाता है। ये ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, एक तरह से सिम्बॉलिक रिप्रजेंटेशन होता है ये, जिसमें जो है एक मेल फिजियोलॉजी में एक जेंडर आइडेंटिटी जो है फेमिनिन जेंडर की होती है। तो इस तरह से ये जो है मेनली फेमिनिन के रोल्स में होते हैं, उनकी ही क्लोथिंग में होते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर एक तरह से अम्ब्रेला टर्म है जिसमें डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज़ कवर की जाती हैं और उनके एक्सप्रेशन को स्टीरियोटाइप के रोल में जो है बांधा जाता है। इस तरह से यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो हैं उनके साथ बहुत सारे तरीक़ों से उन्हें जो है सेग्रीगेशन फॉलो करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति उन्हें हीन भावना से देखता है, जिसका जो मन होता है वो उन्हें कह देते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक पेटिशन डाली गई थी स्टेट गवर्नमेंट में, देन सुप्रीम कोर्ट में, और उस पे जाके एक एक्ट बनता है जिसके थ्रू ट्रांसजेंडर को कुछ राइट्स दिए जाते हैं कि वो अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो इक्वल रिस्पेक्ट के साथ में रह सकें। इस तरह से ट्रांसजेंडर जो होते हैं
वो जनरली डिस्क्राइब किए जाते हैं कि एक जेंडर आइडेंटिटी है जिसमें जो है अलग तरह का बायोलॉजिकल सेक्स जो है होता है। इस तरह से यहाँ पर जुडिशरी के थ्रू कई सारे जो है यहाँ पर एक्शंस लिए गए थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देखते हुए कि वो अपने सर्वाइवल को और इजी बना सकें, और यहाँ पर जो है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इन्हांस किया गया, उनके वर्किंग स्टैंडर्ड को इन्हांस किया गया, क्योंकि सोसाइटी उन्हें बहुत हीन भावना से देखती थी, उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं दिया जाता था। तो इस पे जो है गौरी सावंत ने एक पेटिशन डाली थी जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जीत भी मिली थी 2014 में, और उसमें जो है एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या क्या इशूज और कंसर्न्स होते हैं ट्रांसजेंडर के, सोशल इशूज होते हैं जिसमें उन्हें डिसरिस्पेक्ट जो है दिया जाता है इस कम्युनिटी के थ्रू, इस सोसाइटी के थ्रू। हर एक जो है इंसान उन्हें हीन भावना से बुलाता है, अलग अलग नामों से बुलाता है। देन यहाँ पर उनके ड्रेस को लेकर काफ़ी सारे जो है इशूज़ क्रिएट किए जाते हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर कई सारे इशूज़ होते हैं, फेस वायोलेशन रिजेक्शन किया जाता है उन्हें, लैक ऑफ रोल मॉडल होता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, आइडेंटिटी इशूज़ होते हैं उनके बीच में जेंडर से रिलेटेड। देन इकोनॉमिक इश्यूज़ आते हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक इश्यूज़ का मतलब हो जाता है लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन होने की वजह से उन्हें कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है ट्रांसजेंडर पीपल्स को। पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का सिविल राइट जो है नहीं दिया गया था। एजुकेशन इश्यूज़ आते हैं क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पर जो है एजुकेशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। वर्क इश्यूज़ हैं क्योंकि वो कहीं भी जाकर जो है अपना काम नहीं कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन शैली को जो है इजीली जीवन यापन कर सकें। हेल्थ कंसर्न्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर कंट्रोवर्सीज होती हैं सराउंडिंग द ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के लिए। देन यहाँ पर एजुकेशनल राइट्स को प्रोवाइड किया गया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 2014 में। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक ऑर्डर आया है जिसमें जो है कई सारे राइट्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रोवाइड किए गए, जिससे कि वो अपने जीवन यापन को इजी कर सके और एक सोसाइटी में एक जो है स्टैंडर्ड के तौर पर अपना जीवन यापन कर सकें। तो क्या क्या राइट्स जो है दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, वो देखेंगे यहाँ पर। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड डिजिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी एंड डिजिग्निटी के लिए उन्हें राइट दिया गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताया गया उन्हें कि उन्हें भी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होता है। राइट टू एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, तो ट्रांसजेंडर को भी जो है राइट होता है कि वो एजुकेशन ले सकें और एम्पावरमेंट कर सकें अपना। राइट अगेंस्ट द वायोलेशन, अगर किसी भी तरह का वायोलेशन उनके साथ किया जाता है तो उन्हें राइट है इसके लिए कि वो इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। देन जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उनका, उसके अगेंस्ट भी उन्हें राइट दिए गए थे। इस तरह से कई सारे राइट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये आपकी सेकेंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन।